महाराष्ट्र में वर्षा की कमी रबी की बुआई और प्याज को प्रभावित कर रही है। उपभोक्ताओं के लिए संवेदनशील रहने वाली इस चीज पर सबसे ज्यादा असर पड़ने का आसार है। कम बुआई, कम पैदावार और रबी की बुआई में गिरावट की वजह से देश में प्याज की उपज 10-15% कम रहने का अनुमान है। इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में पड़ेगा। सूत्रों को डर है कि जनवरी में जब रबी की आवक का समय आएगा तो प्याज दाम बढ़ने के आसार रहेंगे। उच्च तेजी के अलावा अब तक दाम नरम है, लेकिन ऐसा अव्यवहारिक निर्यात की वजह से हुआ है। इस वर्ष 2018-2019 के दौरान उत्पादन गिरकर 2 करोड़ टन कम रहने का अनुमान है, जिससे लगातार दूसरे वर्ष का उत्पादन कम रहेगा। देश में उत्पादित प्याज का करीब 3/3 हिस्सा महाराष्ट्र करता है और राज्य में शुष्क मौसम के कारण 2018-2019 के दौरान प्याज की फसल करीब 30% तक कम रहेगी, क्योंकि रबी सीजन पर ज्यादा असर पड़ रहा है। यह फसल जनवरी में बाजार में आएंगी। महाराष्ट्र के प्रमुख रासलगांव में आसपास के इलाके खरीफ की फसल आने शुरू हो चुकी है। हालांकि एक पखवाड़े पहले नजर आई तेजी अब नरम हो चुकी है, लेकिन गुरुवार को लासलगांव में फिर से तेजी नजर आई। बंद भाव 19 रूपए प्रति किलो, जबकि बुधवार को दाम 11 रूपए प्रति किलो थे। एक स्थानीय व्यापारी ने कहा है कि उन्हें डर है कि इस सीजन पैदावार कम रहेंगी और रबी की बुआई उस तरह नहीं रहेंगी। व्यापारी ने कहा कि गुरुवार को नई बरसात की आवक 30% तक कम रहेंगी, जिससे दामों में इजाफा हुआ है। हालांकि कम फसल का असली असर जनवरी में महसूस किया जाएगा, जब बाजार में रबी की आवक होती है। PM News 24 की रिपोर्ट।